नमस्कार शिक्षक साथियों, वर्तमान में कोविड के दौर में बच्चों के लिए सरकार ने ऑनलाइन ही अनेक कार्यक्रम चला रखे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों के शाला दर्पण के ऊपर ही जो प्रथम परख के अंक हैं वह ऑनलाइन ही फीडिंग करने हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 जैसे कार्यक्रम आओ घर पर ही सीखें कार्यक्रम चला रखे हैं। हमें भी इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रथम परख लेना है और यह भी ऑनलाइन रहने वाला है। तो हम किस प्रकार से शाला दर्पण के ऊपर अंक फीड करते हैं, सबसे पहले हम गूगल क्रोम में चलते हैं। उसके बाद यह इंटरफेस शो होगा, इसमें हम शाला दर्पण अंकित करते हैं और जैसे ही यह अंकित करने के बाद ओके करते हैं तो इस प्रकार का हमारे सामने फेस होगा। जो पहली साइट है शाला दर्पण, इस पर ओके करते हैं। इसके ऊपर पहली साइट पे ओके करते ही हमें शाला दर्पण उसके ऊपर इंटरफेस शो होगा। इसके बाद हमें शाला दर्पण पर नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो प्रथम अंक हैं वह उस पर नहीं अपडेट होंगे, वो हमें स्टाफ विंडो के अंदर अपडेट करने हैं। जैसे ही यह इंटर शो होगा उसके बाद हम हमारी जो पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी होती है उसको हम इसके अंदर दर्ज करेंगे। ऐसे डायल करते ही हमारी पर्सनल लॉगिन आईडी नज़र आएगी। इसमें हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और जो नीचे कैप्चर दे रखे हैं वह ऐड करने हैं। जैसे ही हम यह ऐड करेंगे प्रकार से, अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारे सामने यह इंटरफेस शो होगा, ये लॉगिन होगा। अब जैसे ही हम आप ये जो तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं इस पर ओके करते हैं, ओके करते ही हमारे सामने ये नज़र आएगा। इसमें स्माइल 0.3 पर ओके करेंगे तो हमारे सामने यह एंटर शो होगा। इसके अंदर आपको स्माइल असेसमेंट पर ओके करना है। उसके बाद हमें यह शो होगा कि विद्यार्थियों का परिणाम भरते समय यह ध्यान रखना है कि जो एब्सेंट है उसे एक और जो मेडिकल पर है उसे दो भरें। उसके बाद जैसे हम क्लास पे आते हैं तो क्लास के अंदर जो आपने पहले ही ऑटोमेटिक आएगी यह, क्योंकि आपने पहले जिस क्लास टीचर बना रखे हैं उसी वही क्लास इसके अंदर आएगी। इसके बाद सेक्शन आ जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होंगे, आल सब्जेक्ट भी कर सकते हो आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस, इनमें से अगर आप एक कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो एक एक करके भर सकते हो या फिर ऑल करके। उसके बाद में देखो एग्जाम असेसमेंट सेलेक्ट, आप कौन सी ईयर के फर्स्ट टर्म्स एग्जाम हैं, सेकेंड टर्म्स एग्जाम हैं या हाफ ईयरली हैं या एनुअली एग्जाम है। उसके बाद आप शो करोगे तो यह आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। शो करते हैं तो इस प्रकार से अपने जो बच्चे क्लास के वह जो क्लास आप क्लास है उसके सारे बच्चे आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद पहले हिंदी के मार्क्स हैं जो, फिर इंग्लिश, गणित और ईवीएस, इस प्रकार से जो सारे बच्चे हैं उनके मार्क्स आपको खुद की पर्सनल स्टाफ लॉगिन विंडो से आपको अपडेट करने हैं। और यह परख रहेगा वह तो आपको पता है कितने अंक का है, 20 का, और 20 में से आपको कितने अंक बच्चे को दिए हैं वह इसके अंदर शो करने हैं आपको। तो यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्रो एजुकेशन परिवार में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।